जरूरत तुझे सुनहरी मौका दे रही है इस गंदगी के ढेर से बाहर निकलने का। जिंदगी भर से सकते गुजारने वाली अकमती मैं नहीं कर सकती। बस जब वो तोहफे में इतना कीमती सेट दे सकती है तो उसकी शर्त मानने पे वो तुझे क्या क्या नहीं देगी। मेरी तरक्की हो गई है, मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई है और बहुत जल्द मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुकून महसूस कर रहा हूं। आ जाओ गुड़िया, मिलकर इस पल को महसूस करें। शाहान आज कितने दिनों बाद एक हसीन दिन गुजारा है। हाँ, उस भी लगता है कि मैंने बरसों बाद जिंदगी जी है, एक नई एनर्जी, एक नई खुशी के साथ। और तुम जानती हो ना ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? शफ़क़ की वजह से। हम दोनों के बीच में वो कहां से आ गई? नहीं, मेरी खुशियों की वजह वो कभी नहीं हो सकती। ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं का असर है। मैंने हमेशा सुना था अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए तो जिंदगी पुरसकून हो जाती है। यही सुकून मुझे तुमसे मिला। जानते जो सुकून आज मैं आपके चेहरे पर महसूस कर रही हूँ उसके लिए मैंने रातों को उठ उठ के दुआएं मांगी। कितना अच्छा हो ना कि हर दिन ऐसा ही हंसी हो। हर रात यही चांदनी में डूबी हो, हर आने वाला दिन अगले दिन से बेहतर हो, हम जो कुछ भी चाहे वो सब पूरा हो, सारी ख्वाहिशात पूरी हो, जो सोचे वो हो जाए, पूरी दुनिया घूम ले। अरे अरे बस बस गुड़िया, प्रमोशन हुई है मेरी, अलादीन का चिराग नहीं मिल गया हमें। और अगर ऐसा हो जाए तो दरख्वास्त है अलादीन के चिराग के लिए आपको आयत करीमा के कोई 10,000 खत्म कराने पड़ेंगे। तो समझो दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया है, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी होने वाली हैं। होंगी ना पूरी, मैं करूंगा ना तुम्हारा हर ख्वाब पूरा। तुम ही तो कर सकते हो। जब तुम इतने मान से कहती हो ना कि मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा तो मेरे रब की कसम दिल चाहता है दुनिया की हर खुशी लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं। तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए, सब कुछ मिले तुम्हें, सब कुछ। अम्मी। जी बेटे। एक तो इस चमगादड़ को नींद नहीं आती है। कोई कहता है बेटे को नीचे आ जाए, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ।
पसंद ना लगे। उर्फ़ा कहाँ जा रही है? अच्छा अच्छा, वो तीन औरतें तीन कहानियों ने प्रोग्राम बनाया होगा तेरे साथ। अरे ये औरतें टिक्के क्यों नहीं बैठती अपने घरों में? क्या खाला, आप हर वक्त उन बेचारियों को कोसती क्यों रहती हैं? बेचारियां तोपा तोपा, बेचारियां तो वो कहीं से भी नहीं है, कुटनिया कुटनिया तीनों की तीनों। आप भी ना बताती क्यों नहीं कहाँ जा रही है? अरे खाला मजार तक जा रही हूँ, दिया जलाना है, मन्नत मांगी है ना। मैंने मना किया था तुझे, इनको नहीं पढ़ते बेटा। भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बेटा, जो कुछ मांगे अपने अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह से ही तो मांगती हूँ। आपने देखा नहीं, सामने वाली जो जमीला है ना, मन्नत मांगने जाती थी, उसके घर तो नया फ्रिज भी आ चुका है। मैं तो जा रही हूँ, मैंने सोचा है मेरी मन्नत पूरी होगी ना, पूरे 100 लोगों को खाना खिलाऊंगी भर भर के, जितना चाहे। ठीक है मैं जा रही हूँ, वापस आती हूँ बस एक घंटे। जल्दी आना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई साहब ये बताएंगे आप ये एड्रेस कहाँ का है? मैडम ये एड्रेस है सामने। ये जी शुक्र शुक्रिया। हाँ बीबी क्या काम है? शफक से मिलना है। मुलाकात का वक्त दिया था उन्होंने आपको? नहीं वक्त तो नहीं दिया था, लेकिन आप उनसे कहिए ना कि उल्फत आई है। आप इंतजार कीजिए मैं पूछता हूँ। जी मैडम कोई खातून आपसे मिलने के लिए आई है। कौन आया? उसे अभी बाहर इंतजार करो, जब जाने लगे तो अंदर भेज देना। ओके मैडम। बीबी आप कुछ देर इंतजार करें, मैडम अभी बिजी हैं। बिजी हैं? आपने उन्हें मेरा नाम बताया? देखिए जो उन्होंने मुझे कहा वो मैंने आपको बता दिया। सुने एक गिलास पानी मिल जाएगा प्लीज? आप रुके मैं भिजवाता हूँ।
बीबी जी कहाँ जा रही हैं आप? अगर वो बिजी है तो मैं फिर आ जाती हूँ। बिजी थी मगर अब वो फ्री हो गई है, आपको बुलाया उन्होंने अंदर, आप अंदर आ जाए। शफ़क, उल्फत, अरे तुम कब आई? मैं तो 2 घंटे से बाहर खड़ी हूँ, इंतजार कर रही थी। 2 घंटे से लोगों ने तुम्हें बाहर खड़ा रखा? अभी इनकी खबर लेती हूँ। उल्फत, I'm so sorry, मुझे पता ही नहीं था। नहीं कोई बात नहीं। हाँ। चलो आओ अंदर बैठ के बातें करते हैं। तुम कुछ लोगी? चाय लेकर आओ। पानी? नहीं, नहीं। हाँ? उल्फत, उल्फत। बेटा आज इस वक्त घर पर? हाँ हाँ, नहीं वो मैं एक फाइल भूल गया था, वो लेने के लिए आया। उल्फत कहाँ है? घर पर नहीं। क्यों, कहाँ गई? मजार। चलो फिर कोई दिया जलाना होगा। इतना ही कुछ मिल जाए उसे, उसके ये दिए ही नहीं खत्म होते। क्या क्या दुआएं मांगती रहती है, सुबह से गई हुई है मजार पे, अब तक उसकी मन्नत ही नहीं खत्म हुई। कितना समझाती हूँ उसे, समझ में नहीं आता उसे। चले भाई, आप दोनों का मामला है, मैं कुछ नहीं कहता। बेटा मेरा बच्चा मेरी जान, बाज मामलात में बोलना पड़ता है, समझाया कर उसे। उसके इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब है ना, मुझे बहुत डर लगता है किसी पाताल में ना गिर जाए कहीं। अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ना करे। नहीं बेटा, बहुत नादान है, बस उसकी नादानी से डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे वो। अरे इतनी भी नादान नहीं है, सब समझती है, आखिर आपकी तरबियत, गलत थोड़ी हो सकती। अच्छा मैं जल्दी से फाइल ले लूंगा। मुझे इतनी खुशी है कि तुम यहाँ आई हो। पिछली दफा तो मैं परेशानी हो गई थी कि शायद तुम नाराज ना हो गई हो। हादी को भी ले आती अपने साथ, उसकी बातें मुझे इतनी याद आती हैं। शफ़क, कुछ कहना चाहती हो? उल्फत, मुझे मंजूर है। क्या मंजूर है उल्फत? तुम्हारी शर्त मंजूर है। हाँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो। वो ये कि रकम मेरी मर्जी की होगी। कितने चाहिए? 10 करोड़। उल्फत मैं तुम्हें 15 करोड़ दूंगी, 5 करोड़ मेरी तरफ से तोहफा। 15 करोड़? उल्फत तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अगर मुझसे जान भी मांग लेती तो मैं एक मिनट भी नहीं सोचती। अच्छा तो रकम मिलेगी कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे कैश चाहिए। और कुछ नहीं तो डील डन। थैंक यू सो मच। देखना हम ना बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे, सब इतना अच्छा होगा और तुम्हारा मकाम शान की आंखों में कभी भी कम नहीं होगा। मैं होने ही नहीं दूंगी। ऐसा वो भी नहीं होने देगा। मैं चलती हूँ। उल्फत, तुम शान को मनाओगी कैसे?
दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या हो गया? ऐसा भी क्या कहती जो इतना रिएक्ट कर रहे हैं? मतलब जो बात मेरे अंदर दोहराने की हिम्मत नहीं है और तुम इतनी मासूमियत से पूछ रहे हो कि ऐसा क्या क्या दिया? हाँ तो क्या हो गया? कर लेना अपनी बॉस से शादी भाई। अबे क्या शादी, शादी की रट लगा लिया तुमने उल्फत। कैसे समझाऊं भाई, जब मुझे मुझे कोई मसला नहीं है तो आपको क्या मसला हो सकता है? मुझे है मसला, मुझे। मैं क्यों करूं भाई दूसरी शादी, जब मैं पहली शादी में खुश हूं, तुम्हारे साथ खुश हूं, तो फिर मैं क्यों किसी और के नाम का ढोल अपने गले में डाल लूं? चपक बहुत अच्छी इंसान है। होगी अच्छी इंसान, 10 करोड़ अच्छी खवातीन है बाहर सड़क पे, सबसे शादी कर लूं क्या? अजीब बकवास मचा के रखी हुई है। ये कोई बकवास नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और वैसे भी हमारा मजहब भी इजाजत देता है इस बात की अगर पहली बीवी की रजामंदी शामिल हो जाए, और ऊपर से मेरे दिल की ख्वाहिश है। पर मेरी ख्वाहिश नहीं है ये, तो मैं क्यों करूं फिर? तू नहीं है तो इरादा कर ले। उल्फत बस कर दो यार, खुदा का नाम लो, अपने हवासों में हो तुम या नहीं? हाँ हूँ, मैं अपने पूरे होश हवास में ये बात कह रही हूँ। उसको बस एक अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे पता है आपसे अच्छा पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। इनाफ उल्फत, खत्म करो इस वाहियात टॉपिक को। क्या हो गया शान? पूछे इससे क्या हो गया है, से वो करने को कह रही है जिसके मैं तसव्वुर तक नहीं कर सकता। अरे क्या नहीं कर सकता, झगड़ा किस बात का है बेटा, कल तक तो सब कुछ ठीक था। अरे आज भी सब ठीक है खाला, आपको तो पता ही है ना इन्हें तो छोटी छोटी बातों का तमाशा करने की आदत है। छोटी छोटी, चलो इतनी छोटी बात है ना तो करो ना हिम्मत, अम्मा के सामने करो बात, बताओ ना क्या सौगात लाने के लिए कह रही हो घर में, कौन से नए रिश्ते जोड़ रही है मैडम, बोलो। कौन से रिश्ते की बात कर रहा है ये? कहाँ चले गए मेरी बात किए बगैर, सुने मेरी बात। अरे आप कहीं नहीं जा सकते, हम बात कर रहे हैं ना, बात छोड़ के बीच में नहीं यार, तुम्हें लगता है मैं इस वाहियात बात पे डिस्कशन करूंगा? हटो सामने से। हटा के दिखा लो, जब तक बात खत्म नहीं होगी ना मैं भी नहीं हटूंगी। पागल हो गए क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं जिस बात को नहीं मान सकता उस पर क्यों जिद कर रही हो? हाँ तो मैं क्या करूँ, वादा कर लिया मैंने। तो तुम्हारे वादे पूरे करने का मैं पाबंद नहीं हूँ। क्या बदतमीजी है शाहान, ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का? अरे मुझे मत सिखाए तरीके अम्मा, इन सब की जरूरत इसे है। हाँ तो मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ जिसका इतना शोर मच रहा है? उल्फत शट अप, एक और लॉस नहीं। बच्ची बताओ ना मुझे, बता कोई नया जोड़ा पसंद आ गया है? हाँ कोई सेट अच्छा लग रहा है तुझे, बता देना मैं शान से बात करती हूँ। भाई मैं क्या बताऊँ, देखा नहीं कैसे भरम दिखा के गए, उसे से पूछेगा मैं क्या बताऊँ। खाना ले आ मेरी जान, प्लीज बहुत भूख लगी है। आ गई, सबर नहीं होता। जानती तो हो बाबा कहाँ खाने के बारे में सबर होता है मुझसे। अच्छी चीजों के लिए ना थोड़ा सबर करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तर्स का, मैं खा लूं? लेक मेरे हाथ से भी खाए। सुने मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। शफक के बारे में। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं बस, पता नहीं क्या बात है मुझे उसको देख के ना दुख होता है। देखिए ना, देखने को उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी कितनी तन्हा है यार। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो होती है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको उसके पहले शोहर के बारे में पता है? बस इतना ही जानता हूँ कि जल्दी टूट गई थी। हाँ जाहिर है टूटनी थी, था इतना जालिम वो। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस वैसे ही उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था। आपको पता है उसने 2 साल भी ना इतने अजियत में गुजारे हैं सिर्फ अपने अब्बा की वजह से। वैसे यार सोचा जाए तो देखें ऐसे लोगों को भी ऐसे दुख होते हैं। हाँ किसी ने सच कहा है,
कुछ लोग देखने में जितने स्ट्रांग होते हैं अंदर से उतने ही टूटे हुए होते हैं। हाँ भाई, हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ये अचानक तुम्हें शफा कहाँ से याद आ गई? क्योंकि यार मुझे दुख होता है, मुझे लगता है कि वो भी तो इंसान है ना, उसका भी तो हक है खुशियों पे। नहीं, बिल्कुल है, खुशियों पे तो हर इंसान का हक होता है, लेकिन हम उस बेचारे के लिए क्या कर सकते हैं? मैं तो सोच रही थी हमें ना उसकी शादी करा देनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये था सारा मुद्दा, अब खुलेगा उल्फत मैरिज ब्यूरो। हाँ तो अच्छी बात है ना। अब देखे ना, मैंने सोचा है कि भाई हम अगर उसकी शादी करा देंगे और उसकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ जाएगा तो वो उसके सारे दुख समेट लेगा। अच्छा आइडिया है ना। हाँ, अच्छा, नेक ख्याल है। उससे करो ना ये बात। अरे उससे तो बात कर ली मैंने, मैंने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी वादी करा दूंगी भाई, और तो और मैंने अच्छा लड़का भी ढूंढ लिया उसके लिए। चलो जी, फिर तो बात ही खत्म हुई। कौन है वो खुशनसीब? हाँ है तो खुशनसीब, और तो और मुझे इतना भी पता है कि शफक का ना वो बहुत ख्याल रखेगा। तो बात है, तो बता दो मगर है कौन? आप क्या? मैं 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 तुम्हारा शौहर, मैं शफक से शादी। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, बार बार रिपीट कर रहे, इतना रिएक्ट करने की क्या बात है? पागल हो गई हो क्या? उल्फत, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है बैठी हुई? कुछ नहीं, वो बस ताजी हवा के लिए आई थी। वक्त पता है क्या हुआ है? हाँ शायद 2 बज रहे। 2 बजे और तुझे कोई परवाह नहीं है? किसकी? अपने शोहर की और किसकी? कब से घर से निकला हुआ है, रात का ये पहर हो गया और तेरे चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है? चल बेटा फोन लगा उसको, पता तो कर कहाँ है वो। मैं नहीं बात कर रही, आपको परेशानी हो रही है ना, तो ये लें फोन, पूछें कहाँ है, इतनी देर कर दिए। क्या बात है, किस बात में लड़ पड़े तुम? झगड़ा है किस बात का? मैं तो तेरी माँ हूँ, मुझे तो बता दे। कोई बात नहीं, जब वो आएंगे ना तो उन्हीं से पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछ ही लूंगी बेटा, लेकिन तू जरा फोन लगा के देख, नहीं रात हो गई, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। होना कहाँ, होंगे अपने निकम्मे दोस्त मंसूर के साथ, गलियों की खाक छान रहा हूँ। वैसे खाला, हर बार हमें क्यों फोन करें? हाँ उनको परवाह नहीं है इस बात की कि घर में 2 औरतें और 1 बच्चा छोड़ के बैठे हुए, मगर नहीं, मनमानी तो करेंगे वो अपनी, और फोन भी हम ही करें उन्हें। वाह, बड़ा इंसाफ है। खैर छोड़ें, मैं खाना लेने जा रही हूँ आपके लिए, आप प्लीज खा लीजिएगा, दवाई भी देनी है आपको। और नहीं करें फोन, आपको परेशानी हो रही है ना, नहीं देर हो गई है, कोई हद होती है, वैसे भी इंसान खुद ही फोन करके बता देता है। वैसे भी मुझे किस बात की परेशानी हो रही है? उल्फत, ओ उल्फत, अरे नंबर तो मिला के दे मुझे। क्या हो गया शाहान, देख रहे हो? 5 घंटे हो गए मुझे घर से निकले हुए, लेकिन मेरी बेगम की तौफीक हुई कि मुझे एक दफा कॉल करके पूछ ले कि मैं जिंदा हूं या आप। एहसास नहीं है उसको। एहसास तो तुझे भी नहीं है कि वो तुझसे कितना बड़ा काम करवाना चाह रही है? वो बकवास ना कर यार, कभी नहीं हो सकता ये। अरे क्यों नहीं हो सकता, मर्द करते हैं दूसरी शादी। हाँ तो मर्द करते हैं ना, वो भी जिनको जरूरत हो या कोई तकलीफ हो, लेकिन कभी कोई औरत करती है अपने मर्द की शादी? समझ नहीं आ रही उसको। भाभी बहुत जिद्दी है, मुश्किल ये है कि वो बात समझे। नहीं समझती तो ना समझे, मुझे भी परवाह। अरे तू क्यों जिद पर अड़ा हुआ है, बात कर ले यार जाकर उनसे। नाराज मैं भी हूं और मैं ही कॉल करूं? तुम दोनों की जिद के चक्कर में ना मैं मासूम मारा जाऊंगा।
लो, इतनी जिद थी। हाँ बोलो उल्फत। उल्फत नहीं, तेरी माँ हूँ। वो तो तुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अरे इंसान बता तो देता है कि क्या बात है। क्या कहा आपने? मुझसे बात नहीं करना चाहती वो। हाँ वो तुझसे बात नहीं करना चाहती, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला के दिया है। अरे बेटा घर आ जाना, मेरा तो दिल हौल रहा है। मुझ पर रहम कर, जल्दी से कर आ। दरवाजा खोलो। उल्फत देख शाहान आ गया, दरवाजा खोल। उल्फत दरवाजा खोल दे भाई। अरे दरवाजा खोल दे, बहरी हो गई है क्या? उल्फत गायब ही हो गई क्या? है तो भाई हद हो गई। उल्फत दरवाजा खोलो। आ रही हूँ आ रही हूँ। उल्फत दरवाजा खोलो। अरे उल्फत कहाँ रह गई यार, दरवाजा खोलो। किधर? अरे अम्मा आप क्यों आई, वो कहाँ है वो? पता नहीं बेटा तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। सारी जिंदगी मैंने इज्जत से गुजारी है इस घर में, जनाजा भी इज्जत से निकलने दो। उल्फत ये क्या तरीका है यार, मैं उस वक्त से खटखटा रहा हूं। उल्फत उल्फत मुझे पता है तुम जाग रही हो, उठो बाहर हो, मैंने बात करनी तुमसे। उल्फत हद होती यार, ये कोई तरीका है? दरवाजा भी अम्मा ने खोला है, उठो बाहर हो, बात करनी मैंने। उल्फत देखो मैं हादी की तरह से चुप हूं, शराफत से उठो और बाहर आओ। उल्फत उठो, मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज उठो और आओ मुझसे बात करो यार, प्लीज कह रहा हूं मैं। उल्फत की कसम यार, हद होती। यार इस घर में किसी को अंदाजा है कि इंसान ने ऑफिस जाना है? ता की कसम यार, तरीका होता है बंदा एक शर्ट ढंग की तैयार करके रख देता है। आवाज आ रही है किसी को? ये कान बंद हो गए सबके।
उल्फा क्या मेरी बात? क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात सुनो उल्फा। बाबा स्कूल चलो। अल्लाह हाफिज अम्मा। सोचें अक्सर इंसान का दिमाग खराब कर देती है, इसलिए सोचों को साइड पे रखें, कॉफी पिएं ताकि दिमाग की बत्ती रोशन हो। थैंक यू यार, वाकई इसकी बहुत जरूरत थी। आपकी शक्ल की मिस्कीनियत देखकर पूरा ऑफिस बता सकता है कि आप नाश्ता करके नहीं आए। कुछ ऐसा ही है। रात में भाभी से कोई बात हुई थी? बात सुने तो तब। दुकान बंद किए बैठी, जिद के घोड़े पे सवार। हैरत है यार, भाभी ऐसी भी जिद दिखा सकती है। दिमाग खराब हो गया उसका। और मैंने सुना है कि औरत एक दफा दिमाग खराब हो जाए तो दुनिया को कोई मर्द उसे ठीक नहीं कर सकता। सख्त परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही क्या वहां। अम्मा अलग परेशान। अरे तू परेशान ना हो यार, सब ठीक हो जाएगा। I hope so. सर आपको शफ्त मैम बुला रही है। अच्छा जी सर। आप नहीं बताएंगे प्रॉब्लम क्या है? What's wrong, Shahan? Tell me, क्या बात है? हाँ, हाँ, सब ठीक है। नहीं, something's wrong. Yes, everything is wrong. क्यों, क्या हुआ है? देखकर ऐसे लग रहा है जैसे आप पूरी रात नहीं सोए। हाँ, जागता रहा हूँ सारी रात। क्यों? कौन सी बात परेशान कर रही है शाहान? मेरे साथ शेयर कर सकते हो? कुछ बातें ऐसी होती हैं शफ़क जिनको ज़बान तक लाना आसान नहीं। हाँ, जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आ जाते हैं। मैं उल्फत को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, उसका फोन ऑफ है। क्या वजह हो सकती है? वजह तुम हो शफक। शहर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? यही कि बड़ी बड़ी अच्छाइयां किसी बुराई की सूरत में सामने आ रही होती हैं, लेकिन हम बुराई पर पर्दा डाल देते हैं क्योंकि हमारी नजर अच्छाई पर चलती है। हम इंसान भी कितने पागल होते हैं ना। मैं समझी नहीं। समझना कहां आसान होता है शफक। एनीवे I think I should leave. मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। Oh sure, लेकिन कहाँ? घर? नहीं घर तो नहीं। फिर? पता नहीं। शाहान, मैं जानती हूँ कि हम कॉलीग्स हैं लेकिन दोस्त भी हैं।
फिर कभी कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हो। I trust you.